हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज एक नया स्नैक बनाने वाले, उसका नाम है चिकन कैंडी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो गाइस देखिए इंग्रेडिएंट्स, ये है अनियन, कैरोट, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम, और ये चिकन को बॉईल करके इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। ये ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली की चटनी, वाइट पेपर, चाट मसाला, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, मायोनीज और धनिया और जीरा। चलिए अभी बनाते हैं रेसिपी। तो गाइस अभी पैन रख दिया, इसमें ऑयल डाले, ऑयल को गरम करने रखे। अभी इसमें डालेंगे अनियन। अनियन को थोड़ा सा पिंक एंड गोल्डन कर दे रहा है। तो गाइस अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली की चटनी। अभी इसको वापस से थोड़ा मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से भून लेना है गाइस। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम, जिसको अच्छे से चॉप करके रखें। इसको भी अच्छे से भून लेना है। तो गाइस अभी इसमें डालेंगे कैरोट, इसको चॉप करके रखें। अच्छे से इसको भी भून लेंगे, मतलब पका लेंगे। तो गाइस इसके बाद इसमें डालेंगे जो बॉईल किया हुआ चिकन है, इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। अब इसको इसमें डालेंगे। अच्छे से डाल के गाइस जो कैरेट का कलर है वो चिकन में आ जाएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अभी इसको भी अच्छे से पका लेना है। तो गाइस ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड करें गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा ही डालेंगे गाइस, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी इसमें डालेंगे वाइट पेपर। अभी इसमें डालेंगे चाट मसाला। अभी इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। अभी डालेंगे धनिया और जीरा। फिर इसके बाद डालेंगे सॉल्ट। अभी गाइस इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेना है। फिर इसके बाद इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। तो गाइस अभी इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। अभी ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस। अभी डालेंगे रेड चिली सॉस। ये सॉसेस टेस्ट के लिए डाला जाता है। तो गाइस इकरा अभी आलू के भजिए के लिए बेसन बना रही है। तो गाइस अभी ये चिकन कैंडी की फिलिंग तैयार हो चुकी है, देखिए। गाइस अभी इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मेयोनीज को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो क्या मेयोनीज का अच्छा सा फ्लेवर आएगा। गाइस अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना गाइस, नहीं तो फिर एक साइड ही पूरा मेयोनीज लगा रहेगा, तो सब जगह पर, मतलब सब चीज़ों पर टेस्ट भी आएगा। तो गाइस ये हम लोग ने ब्रेड लिए, इसके चारों ओर के जो रहते हैं ब्रेड वो काट कर दिए, देखिए वो कट कर दिया। अभी इसका बनाएंगे चिकन कैंडी। तो गाइस अभी चिकन कैंडी बनाने के लिए जो ब्रेड है उसको अच्छे से बेल कर पतला कर लेना है। अच्छे से उसको दबा दबा के बेल करना है, और स्पेशली कॉर्नर पर, कॉर्नर पर जो ब्रेड रहते हैं वो थिक रहता है।
गाइस अभी जो बेलन से है इसको पूरा चपटा कर रहे थे, तो देखिएगा इतना हो चुका है, मम्मी ने कर चुके। अभी मम्मी इसमें फिलिंग्स भरेगी आइसक्रीम कैंडी बनाने के लिए। और गाइस आइसक्रीम कैंडी बनाने के लिए हम लोग ने कुछ स्टिक्स मंगाए थे आइसक्रीम की, तो चलिए अभी भरते। पहले जो फिलिंग्स अभी अपन तैयार कर रहे थे वो फिलिंग को इसके अंदर फिल करेंगे। फिर इसके बाद इसमें बेसन लगा के गाइस इसको ना स्टिक करना है। बेसन लगाने से ना ये अच्छा स्टिक होएगा और मतलब चौथे लगाने में छूटेगा नहीं। और ये स्टिक को ऐसा बीच में रख कर इसको स्टिक कर वो चिपका देने का है। देखिए गाइस मम्मी ने भी एक रेडी कर चुके हैं, अभी बहुत सारे रोल्स बनाएंगे। तो गाइस देखिए लॉली चिकन कैंडी तैयार हो चुकी है, पूरी चिकन कैंडी तैयार हो चुकी है, अभी इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस अभी ये चिकन कैंडी तैयार हो चुकी है, अभी इसको फ्राई करने के लिए कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिला के और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के मिक्सचर बना के रखें। और ये ब्रेड क्रम अभी पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिए हैं अच्छे से। तो गाइस अभी इसको ये मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको ब्रेड क्रम लगा के इसको फ्राई करेंगे। इसको गाइस चलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। गाइस अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर आना चाहिए तभी इसको करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना तो जल सकता है वो ये कैंडी। तो गाइस देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो रहा है, देखिए गाइस इतने ब्राउन हो चुके हैं और अभी ये ब्राउन करने के लिए रखे हैं। तो गाइस अभी जो चिकन कैंडी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है, अभी इसको सर्व करके रखें, तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस अब अच्छे से तैयार हो चुका है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।